मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल असुरन से मेडिकल कॉलेज की सड़क तथा मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक के फोर लेन के कार्यों में तेजी आ गई है। गौरतलब है कि बरसात के कारण कार्य में रुकावट आ गई थी, लेकिन एक बार फिर से सड़क निर्माण ने तेजी पकड़ ली है। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि असुरन से मेडिकल कॉलेज की सड़क को मॉडर्न रूप दिया जा रहा है, जहां हरियाली की दृष्टि से सड़क के बीच में खजूर के वृक्ष लगाए जा रहे हैं, वहीं पथ प्रकाश के लिए LED लाइट लगाई जाएगी। इसके अलावा मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया तक के सड़क निर्माण में भी गति आई है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक दोनों योजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, असुरन मेडिकल कॉलेज महाराजगंज वाले रास्ते की बात कर रहे हैं, तो विलंब उसमें हम लोगों ने रिवाइज़ किया है, उसकी लागत जो है पुनरीक्षित हुई है, और वो मॉडल रोड बनाने के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे। मुझे लगता है मंडल में वो सबसे अच्छी रोड होने जा रही है, और इस वजह से उसमें थोड़ा सा पुनरीक्षित की वजह से रीकास्टिंग हुई है, तो थोड़ा टाइम लगा है। दूसरा, कोविड संक्रमण की वजह से और बरसात पहले आने से थोड़ा सा काम का विलंब हुआ है,
लेकिन अब उसकी नई डेडलाइन फिक्स कर दी गई है और उन्होंने PWD ने हमें कमिट किया है कि वो इस शीतकाल आरंभ होते ही उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। बीच बीच में कार्य चल भी रहा है। जो ड्रेनेज का कार्य है उसमें क्योंकि कुछ शिकायतें आई थी, इसलिए हम लोगों ने काम रुकवा के उसकी टेक्निकल जांच कराई है, जिससे कोई भी पानी का कार्य, पानी का जो निकासी है, उसमें कोई दिक्कत ना हो। और बार चार्ट के हिसाब से काम चल रहा है। उसमें 2 से 3 महीने का जो विलम्ब हुआ है वो मैंने आपको कारण बताए। हम आशा करते हैं इस वर्ष के अंत तक वो रोड जो है हम कम्प्लीट कर पाएंगे। मोदीपुर जंगल कौड़िया का कार्य कुछ कारणों से पिछले 1 महीने में जरूर रुका था, लेकिन उसको कार्य को पूर्ण गति से फिर से आरंभ किया गया है। बीच में जो ड्रेन उन्होंने बनाई थी उसमें पानी भी भर गया था बरसात की वजह से। तो जो भी उनको निर्देशित किया गया है, और मैंने कल परसों में भी देखा है, जो भी टाइम मिलता है, 2 बरसात के बीच में थोड़ा सा धूप निकलती है, उसमें वो कार्य कर रहे हैं। वर्षा की वजह से थोड़ा तो काम की गति में फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो कार्य भी हम जो है इस वर्ष के अंत तक, शीतकाल आरंभ होने तक पूर्ण करा पाएंगे।